एवरीवन, वेलकम अगेन टू विकेतन पैराडाइज। आज हम लोग गांव से चले हैं शिमला की तरफ और अभी मंदिर जाके आए हम लोग, क्योंकि जैसे ही हम घर पहुंचते हैं और घर से आते हैं तो सबसे पहले मंदिर ही जाते हैं। तो आते हुए भी हम मंदिर जाके आते हैं, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहना चाहिए। और अभी हम लोग जा रहे हैं शिमला को, फिलहाल जनाब ड्राइव कर रहे हैं। हेलो, सभी का बहुत बहुत स्वागत है विकेतन पैराडाइज में। आई होप सारे बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और हम भी मजे में ही हैं। हम फिलहाल अभी आज हम लोग अपना पूरा राशन भरने वाले, और हम मोस्टली मैक्सिमम टाइम जब भी हमारी गाड़ी में स्पेस होता है तो हम यहाँ सेंस से राशन लेके जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉप है, क्या नाम है शॉप का? शॉप का नाम पता नहीं, वैसे तो पप्पू लाले की दुकान बोलते हैं। यहाँ पे मेनली होलसेल शॉप है सेंज में, जहाँ से हम पूरा राशन भरते हैं अपना। तो काफ़ी 2-3 महीने, हार्डली 2 मंथ तो हम लोगों के चली पड़ता है यहाँ से। तो हम आज भी पूरा यहाँ से राशन लेके जाएंगे और फिर उसको घर पे जाके अनपैक करेंगे। तो फिलहाल आप लोग हम लोगों के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए, क्योंकि अब हम रेगुलर हो चुके हैं और अब आपको हमारे रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये पार हमारा सेंज बाज़ार दिख रहा है और ये कोल्ड स्टोर, जहाँ पे कि एप्पल वेजिटेबल स्टोर होती है। हमारे गांव का व्यू बहुत अच्छा है और आजकल तो ग्रीनरी हर एक जगह हो रखी है। हमने अपना एप्पल व्लॉग भी बना दिया है, जो कि लास्ट मंथ क्या मतलब 15-20 दिन हो गया है ना, लेकिन हमने वो अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो हम उसको भी अपलोड कर लेंगे, बिकॉज रक्षाबंधन वाला हमने पहले ज़रूरी समझा अपलोड करना। तो आपको एप्पल ऑर्चर्ड व्लॉग जो हम लोगों का है, एप्पल प्लकिंग जिस पे हमने की है, वो हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं शॉप के पास, गाड़ी की सेटिंग कर दी है। थोड़ी बहुत धूल है यहाँ पे, बड़ी बारी इधर पीछे और कुछ धूल, मजे आ जाते हैं। देखिए कितनी धूल है। और ये है वो शॉप जहाँ हम जा रहे हैं, काफी अच्छा स्टोर, पूरा स्टोर है बड़ा तगड़ा। क्यों मतलब कि 2-3 लाइन्स है इस तरह की बड़ी बड़ी, पूरा शहर वाला सिस्टम, मास्क, स्टेशनरी वगैरह हर एक चीज है यहाँ पे। और उसके बैक में भी एक और, तो मजेदार है शॉपिंग, हर एक चीज मिल जाएगी यहाँ पे। देखते भी चुने क्या क्या डाला हुई, तो ही आइटम डाल दिए मसाले, फिर दालें और आई थिंक चावल एंड आटा, वो चीज़ें भी हमने ले जानी। सो हम यहीं से ले जाते ज़्यादातर, क्योंकि एक तो होलसेल रेट पे मिलता है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। फिलहाल ये डाले हमने लिए, हम लोग लंच के लिए रुक गए हैं और ये लोकेशन आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि जब हम गांव गए थे हाँ, तो हमने सेम लोकेशन पे लंच किया था। तो आज हम फिर से यहीं पे ट्राई करें, क्योंकि हमें काफी अच्छा लगा था यहाँ का रिस्पांस और काफी टेस्टी था। और क्या खाएंगे आज, कुछ और खाएंगे? देखो देखिए ना, कभी डिसाइड ही नहीं करते क्या खाना है, कहाँ जाना है, जैसा भी करना है, जो भी करना है, मतलब ठीक है, अच्छा भी है बट बैड भी है। आज आप डिसाइड करोगे ठीक है कि क्या खाएंगे। और टिका ना खराब हो गया, सारा फैल गया माथ में। सो हेयर इज आर ऑर्डर, और हमने पिज्जा ऑर्डर किया था, क्योंकि उस दिन मम्मी ने हमें पिज्जा ऑर्डर करने नहीं दिया था। तो मम्मी जब व्लॉग देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा कि हमने पिज्जा ऑर्डर किया है, और स्ट्रॉबेरी शेक जो कि उस दिन हमने ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा था ना। और हमने वेज नगेट्स भी, नहीं वेज नगेट्स किए हमने, हाँ वेज नगेट्स ऑर्डर किए, तो वो भी आने को है। तब तक हम खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। ये देखिए पिज्जा, और ये पिज्जा को कैसा है? बहुत अच्छा। नहीं यार पिच्ची बोलो, सही में बहुत अच्छा। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। और बाकी देखते हैं और क्या क्या अच्छा निकलता है। हमारे वेज नगेट्स प्रेजेंटेशन देखो आप, ये हार्ट कितना प्यारा बना है। वो तो है बट खाएगा कौन इतना? खाना तो आपको पड़ेगा जिसने ऑर्डर किया। ये भी अब इसको पैक करवा देंगे।
आपकी कुछ और ही प्रिपरेशन हो गई है, एकदम से इंस्टेंट प्लान बनाया कि अभी सर जा रहे हैं ट्रैकिंग पे और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे जो हम सामान लेके आए कुछ ही आया है, अभी कुछ नहीं आया है, बाकी मोस्ट ऑफ द सामान मिसिंग है हम लोगों का। यहाँ पे मैंने निकी के लिए कुछ चीज़ें साथ में डाल दी है, जैसे कि वेट टिश्यूज, एक टिश्यू का पैकेट एक्स्ट्रा, ये हमारी विजिटिंग कार्ड जो कि ये है निकी वाले, और क्योंकि ये थोड़ा होटल विजिट पे भी जा रहे हैं तो थोड़ा ऑफिस का वर्क भी हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स एंड इनके लिए टूथब्रश, कॉम्ब, थोड़ा ट्रैकिंग पे सर्वाइवल किट भी मैंने इनके लिए रेडी की है, ये मेरा सामान है, और यहाँ पे कुछ और सामान भी इनका रेडी हो रहा है अभी, तो एकदम से प्लान बन गया। फिलहाल ये अभी गए हैं बुआ के घर में, क्योंकि हमारा ब्लूटूथ स्पीकर वहाँ पे है तो इनको स्पीकर की भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी लेके आएंगे। सोच रहे होंगे कि निकी तो जा रहे हैं तो मैं क्या करने वाली हूँ, तो मैं जाने वाली हूँ बसंतपुर, क्योंकि निकी जिन फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, आशीष, गुगू, जिनके साथ हम लोग लास्ट ईयर लाहौल गए थे, सॉरी लाहौल नहीं गए थे, कहाँ गए थे, चिटकुल गए थे, किन्नौर चिटकुल सांगला हमने कवर किया था उनके साथ, तो उन्हीं के साथ ये ट्रैक पे जा रहे हैं, बट इस बार मैं नहीं जा रही हूँ, तो हम लोगों के गांव की तरफ से ही वहाँ को रास्ता जाता है, तो ये सोच रहे हैं कि मुझे वहाँ ड्रॉप कर दे और गाड़ी भी वहीं रख ले और उन्हीं की कार में ये कंटिन्यू करेंगे अपना टूर। तो ठीक है, इनको थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइम हो जाए और मुझे थोड़ा सा पर्सनल फैमिली टाइम हो जाए, और हम आज सुबह ही आए थे और कोई ऐसा प्लान था नहीं, और अभी जस्ट कॉल आया, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि चलो चलो चलो, और मतलब हम लोग ऐसा है कि मैक्सिमम टाइम नहीं जा पाते हैं क्योंकि कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, बट इस टाइम पे अभी फ्री है मोस्टली, तो फिर सोचा कि क्यों ना जाया जाए और घूमा जाए, तो थोड़ा मैं भी अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर लूंगी, निकी भी अपना थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड कर लेंगे। कैसे हैं सभी? तो मजेदार बात यह है कि आप लोगों के लिए अब इतने एंटरटेनिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि मेरा इंस्टेंटली प्रोग्राम बन गया है जाने का, और ट्रैक पे छोटा ट्रैक है, बढ़िया 12-1 किलोमीटर का ट्रैक है, मजेदार एक नंबर, और पूरी सीरीज उसके आप लोगों के लिए आएगी, और नियर बाय है यहीं पे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, जैसे ही मैं ट्रैक शुरू करूंगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मेरी तैयारी सब कुछ हो चुकी है, उतनी देर विजू ने सब कुछ रेडी कर दिया था, और निकी ने सारे घर में खिलाना एज यूजुअल डाल दिया। ये बैग एक मेरा नहीं दिख रहा, आप दिखा, निकी रेडी हो चुकी है फुल ऑन ट्रैकिंग में, तो इसमें मैंने चॉकलेट्स, अपने शेड्स और अपना वॉलेट, वो भी मैं इसमें डालूंगा। आफ्टर दैट आई हैव दिस वन जो मैंने रेडी किया, क्योंकि ट्रैक के लिए ज्यादा ना हैवी बैगेज नहीं चाहिए, ये भी वीडियो ने रेडी किया, मैं सर्वाइवल किट आपके लिए मेनली, कुछ खाने को ना मिले लग जाते हैं ये काम आते हैं। हाँ, ये सारी पैकिंग प्लीज, ये मैंने दिखा दी बेड पे, दिखा दिया सब कुछ, हाँ मत करो क्योंकि अच्छे से पैक किया है, इसमें ऐड ऑन किया है और एक बहुत ही तगड़ी आइटम ऐड ऑन की है, वो चार्ज हो रही है। हाँ, वो चार्ज हो रही है, अभी चार्ज हो रही है, उसका माइक डाल दिया है। हाँ, बाकी इसमें कैप लटका दी गई है, जैकेट मेरा रेडी है, और मैं सोच रहा हूँ क्रॉक्स भी ले जाता हूँ साथ में, क्यों क्रॉक्स मतलब की आ जाएगी काम। हाँ ठीक है, उसको टाई अप कैसे करूंगा, कोई पुराना लेस है, बड़ा लेस नहीं है, तो कोई वायर हो मतलब के, चलो सामने से आ रहा है गुगु, जिसको हम प्यार से गुगु बोलते हैं, और इसका नाम है आशीष, आप लोग पहले जानते ही है, देखा ही हमारे व्लॉग्स में। हेलो जी, धोखेबाज लोग मेरे को नहीं ले जा रहे ना आप लोग? नहीं, आप ही चलो। कहाँ जा रहे हैं घूमने पहले सब? बस चलिए। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ घर बसंतपुर, और मम्मी आए थे मुझे सड़क पे लेने, और फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं पीछे ओजू को, ओजू भी यहाँ पे है, जो कि मम्मी के साथ आया था मम्मी की पीठ के ऊपर चढ़ के, और माते यहाँ पे कीड़ा है, मैं आपको कीड़ा बताती हूँ, रुको रुको रुको, मेरे को कीड़ा दिखाने दो पहले, कैसे कीड़ा है ग्रीन कलर का, ये देख रहे हो आप लोग, अजीब सा कीड़ा है, इसको नीचे फेंक दो। तो गर्मी में यहाँ पे ऐसे ऐसे कीड़े दिखने को मिलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, अभी तो नहीं है ना, आज ठीक है यहाँ का टेम्परेचर। चलते हैं बंदर की तरफ, डिनर मम्मी ने बना दिया है, और मेरा बैग वगैरह भी लेके चलते हैं, क्योंकि जो नाप तो गए हैं घूमने वो तो मारेंगे फुल ऑन मज़े। और फिलहाल मैंने अभी ऊपर मम्मी को फ़ोन किया था, सासू माँ को अपने, कि हम पहुंच चुके हैं, और वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो घर वाले भी थोड़े से टेंस्ड हो जाते हैं जब घर के बच्चे जाते हैं कहीं दूर घूमने, और स्पेशली ट्रैकिंग वगैरह एरिया पर जाते हैं तब तो और ही ज़्यादा डर लगता है, बट चलो ये भी एक लाइफ का पार्ट है, एडवेंचर भी होना चाहिए थोड़ा बहुत जिंदगी में। तो फिलहाल अभी मैं थक चुकी हूँ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में,
और आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट व्लॉग किस पे चाहिए। फिलहाल अभी तो निकी की पूरी सीरीज आने वाली है जो पूरा उनका ट्रैक सीरीज रहेगी, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी, आप उसको भी बहुत ज्यादा शेयर करना। और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पसंद आएगा तो हम दोनों मिलके भी हम ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जिसमें हम ट्रैकिंग पे जाया करेंगे हस्बैंड वाइफ। तो टिल एंड बाय, टेक केयर।